जी स्टूडेंट्स नमस्कार, गुड इवनिंग। और सभी कैसे होंगे? सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो अधिकांश स्टूडेंट्स ने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख के भाग जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको एक से एक नई अच्छी से अच्छी खबर सूचना देता रहूँगा वीडियो पे, जो आपकी शंकाएं होती हैं वो दूर करने के लिए। जैसे भी मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं उनके आधार पे ही वीडियो अपलोड करता हूँ। जैसे पिछले 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि सर गार्गी पुरस्कार किसको मिलता है, कितनी परसेंट पे मिलता है, कब मिलता है, कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, तो मैं इसके बारे में आज चर्चा करता हूँ थोड़ी देर। राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना 2022 के बारे में बताता हूँ आपको। गार्गी पुरस्कार योजना है, ये 1998 में शुरू हुई थी। 10वीं स्टूडेंट गर्ल्स, लड़कियों के लिए बात है, लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए ताकि वो अपनी अगली पढ़ाई कर सकें। 10वीं में 75% आता है, उसको 3,000 रुपये दिए जाते हैं, और 12वीं में जिसके 75% आता है उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें। 10वीं में मिलेंगे तो 11वीं की कर लेगी, 11वीं के बाद 12वीं, ऐसे 3,000 प्लस 5,000, ठीक है, ये दिया जाता है राजस्थान सरकार की तरफ से। राजस्थान सरकार की जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर है, उसके द्वारा दी जाती, ठीक है। ये और ये हर ये जो 3,000 5,000 रुपए हैं, ये हर साल के बसंत पंचमी के दिन ही दिए जाते हैं। तो जिन लड़कियों के 75% से ज्यादा बनी है 12वीं में, वो अपना फॉर्म भराए नजदीकी मित्र पे जाके या किसी भी शॉप से। इसमें एक इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि आपके जन आधार में आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए। जैसे अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो आप स्टार्ट भी कर देंगे फॉर्म भरना, और जैसे ही बैंक अकाउंट डिटेल पूछेगा तो वहां पे अगर आपका नाम शो नहीं होता है तो वो आपको बैंक वापस ही ले आएगा, वहां से वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो पहले ये कन्फर्म होना जरूरी है कि आपके अकाउंट, आपका जन आधार में आपके अकाउंट अपडेट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये स्कॉलरशिप जैसा नहीं है कि माता जी के अकाउंट में जाएंगे, नहीं आएंगे, वो लड़की के अकाउंट में आएंगे। और दूसरी बात, जन आधार में भी वही नाम मैच होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट में है। जैसे किसी लड़की का नाम तो अकाउंट में तो आ रहा है, उसने सही लिखवाया है 12वीं के आधार पे कि भाई मान लीजिए जैसे सरोज सैनी है, सरोज सैनी है, और उसने अपने जन आधार में लिखा रखा है सरोज, तो यहाँ मिस मैच हो जाएगा, उसको वो पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, फिर वो दिक्कत आती है उसके बाद, क्योंकि बैंक द्वारा वो पेमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है फिर, है ना। क्योंकि बैंक जब तक डिटेल मैच नहीं होगी तब तक आपके अकाउंट में फॉरवर्ड नहीं करेगा। अब मैंने आज कुछ स्टेटस वो देखे थे स्कॉलरशिप के फॉर्म, उनमें भी यही कंडीशन थी, कुछ लड़कियों के खाते में पैसे आकर भी वापस चले गए। क्यों चले गए? कि उनके डाटा मैच नहीं हुए। तो पहली बात मैंने आपको बता दी, 10वीं में 75%, 12वीं में 75%। 12वीं 75% है वो अपने इसका राजस्थान गार्गी पुरस्कार का फॉर्म भर सकते हैं। पहले ये ऑफलाइन होता था लेकिन आजकल इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। चलो अपन बात करते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपके पास मूल निवास कार्ड, मूल निवास होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आपके पास 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। 10वीं का अगर अप्लाई कर रहे हो तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं से अप्लाई कर रहे हो तो 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्कूल का अधीनस्थ प्रमाण पत्र, मतलब आप जिस स्कूल से पढ़ के आए हो, जैसे आप फर्स्ट ईयर में आ गए हो लेकिन यहाँ की कॉलेज का नहीं चाहिएगा, आप 12वीं की कॉलेज का आपका जो स्कूल से प्राप्त है प्रमाण पत्र, मतलब इसको अधीनस्थ प्रमाण पत्र बोलते हैं, कि जहाँ ये लड़की पढ़ के आई है या पढ़ रही है, जो भी है, ठीक है। चौथा इसमें डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड। आधार कार्ड का जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि आधार कार्ड में आपका ओटीपी होना चाहिए, वो वहां पर वेरिफिकेशन करता है। फिर निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के आधार पर मूल निवास आ गया है, 2 बार आ गए। बैंक अकाउंट डिटेल आपकी खुद की होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर इसमें मोबाइल नंबर होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये 8 डॉक्यूमेंट है, ये 8 डॉक्यूमेंट लेके ही आप नजदीकी मित्र या शॉप पे जाएं और फिर इसको ऑनलाइन करवाएं। जो अभी बसंत पंचमी फरवरी में आएगी तो फरवरी में इसकी किस्त दी जाएगी, ये आपको 3 साल मिलेंगे फिर, ठीक है। और 3 साल है या 2 साल, मैं एक बार देख लेता हूँ, 2 साल मिलेंगे ये आपको, है ना, ये आपको 2 साल मिलेंगे। जैसे अभी अप्लाई, अभी ऑनलाइन कौन कौन से रहे पता आपको? अभी हो रहा है गार्गी पुरस्कार कक्षा द्वितीय की द्वितीय, मतलब जिसने पिछले साल 10वीं में पहली किस्त ले ली थी वो अब दूसरी किस्त लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12वीं में भी वही चल रहा है, जो पिछली बार फर्स्ट ईयर में आई थी लड़की जिसको गार्गी पुरस्कार मिला, तो अब सेकेंड ईयर में भी उसकी दूसरी किस्त के लिए फॉर्म भर सकता है।
और जो लड़कियां 12वीं पास करके आई हैं 75 से अबव, 75% से ऊपर, वो भी इस गार्गी पुरस्कार को पहली किस्त पाने के लिए, पहली किस्त मतलब 5,000 रुपीज, 5,000 रुपये मिलेंगे। 5,000 रुपये के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कॉलेज में आके मेरे से मिल लेना, मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा, ठीक है। बाकी और क्या था इसमें, देख लेता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट आ गया तो ठीक है, गार्ड की पुरस्कार हो गया, ठीक है ठीक है, ये हो गया, डॉक्यूमेंट आपको बता ही दिया और ये हो गया, ये ठीक है। फिर आपको बता देता हूँ, 3,000 रुपये 10वीं पास को, 10वीं में 75% को, और 12वीं को 5,000 रुपये, ठीक है, इतना ही है। और इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। हाँ, इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2022 है, और इसको आप कहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, साला दर्पण .nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो राज साला दर्पण गार्गी पुरस्कार, सामने जो लिंक आएगी एक नंबर पे, वो वहीं पे जाके आपको लेके जाएगी, वहां आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अधिकांश जानकारी के लिए आप, अगर नहीं समझ में आया तो कॉलेज में आके मुझसे संपर्क कीजिए। और कल मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा बैक पेपर रहने वाले के लिए, जिनका बैक पेपर रह गया है उनका पेपर कब लगेगा, और जिनके ड्यू पेपर है उनका कब लगेगा, जिनके EPFT लिखे है उसका क्या मतलब है, जिनके EPFS लिखा है उनका क्या मतलब है, जिनके EVFY उसका क्या मतलब है, सारे मतलब, जिनके POSO लिखा है उनका क्या मतलब है, सारी सूचनाएं मैं कल के वीडियो में दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं आपको वीडियो दूंगा उत्तर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उनका मेन कारण क्या है और उनका समाधान क्या है। अधिकांश चैनल के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो जय राम जी की, ठीक है, जय हिंद।